ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु न मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं एन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत्पकमल श्री गुरु वैष्णवा श्रीरूप सागर जात सहगण रघुनाथ सजीव सात सवधूत परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य द श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशाखान्वता हे कृष्ण दीन बंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गोपाल आइए प्रिय बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की सत्संग में मनुष्याण सहस्रेशु कचिद यदती सिद्धे यता सिद्धा कश्चिन मेत्ती तत्वतः भगवान कृष्ण चंद्र कह रहे हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि की कोशिश करता है सिद्ध बनने की चेष्टा करता है सेल्फ रिलाइज होना चाहता है आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहता है हजारों हजारों मनुष्यों में से तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक प्रियो भक्तिर्विशिष्यते ज्ञानीनो अत्यर्थम अहम स मम मम इन चारों श्रेणी के भक्तों में से भी वह ज्ञानी भक्त जो मेरी सेवा में नित्य युक्त है मेरे में मनवाला है यद करोसी यदशनासी यजुहसी ददासी य तपस्सी कौन तेय तद कुरुस्व मदर्पणम जो मेरे लिए ही खाता है यज्ञ दान करता है जो कुछ भी क्रिया करता है एकमात्र मेरे लिए अपने जीवन में मुझे सब कुछ मानते हुए पिता हमश्य जगतो माता धाता पिता महा मुझे ही पिता माता धाता बाबा सब कुछ सर्व सर, सर्व देव देवा तमेव माता च पिता सब कुछ मुझे मानता है तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते एकमात्र सर्वत्र मुझे देखते हुए मेरी ही सेवा करता है सर्वत्र मुझे देखते हुए ये विराट के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे मेरे साथ व्यवहार कर रहा हो तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशेष्य एकमात्र शुद्ध भक्ति में स्थिर रहता हुआ मुझे सब कुछ मानता हुआ मेरी शरण लिए हुए मेरे से एक तारतम्य बने बनकर जीवन जीता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानीनो अत्यर्थम अहम इसलिए हे अर्जुन अति अर्थों में उस ज्ञानी भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ अति अर्थों में प्रिय हूँ सच मम प्रिय हो और वो भी तो मुझे अत्यंत प्रिय है कई कि मेरी आत्मा ही है लेकिन भगवान ने आगे कहा कि चार प्रकार के ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मुझे मेरी शरण में नहीं आते इनकी श्रेणी भागवत शास्त्र के अंदर बहुत सुंदरता से दी है ऐसे जो भगवान की शरण नहीं लेते ऐसे एग्जाम्पल सेट किए ऐसी कथाएं भागवत के अंदर जी महाराज ने उद्धृत किए हैं कुंभकर्ण या रावण या मेघनाथ क्यों भगवान की शरण लेने लगे क्योंकि इनका आसुरी स्वभाव है हिरणाक्ष ऋणाकश्यपु शिशुपाल दंतवक्र जरासंध क्यों भगवान की शरण लेने लगी क्योंकि इनका तो आश्री स्वभाव है ये तो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं मधु कैठव सृष्टि में असुर पैदा हुए प्रथम असुर है भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि में मधु और कैठभ ये क्यों भगवान की शरण में आने लगे नहीं माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यंते नराधमा माया अपहरृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रता ये चार प्रकार की व्यक्ति अर्जुन मेरी शरण में नहीं आते भगवान ने कहा जो बुरे कर्म करने वाले नीच कर्म करने वाले हैं पाप कर्म करने वाले इनको दुष्कृतनो कहा बुरे कर्म करने वाले नुष्कर्तनो मूढ़ा मूड़ा और एक मूढ़ा है मूर्छित आदमी बेहोश आदमी नशे में आदमी अगर हो शराब की बोतल चढ़ा ली हो तो क्या वो भगवान को याद करेगा या भगवान की शरण लेगा या भगवान की सेवा करेगा स्वप्न में भी नहीं वो तो सम्राट है शराब पीने के बाद वो खुद ही भगवान है किस भगवान को मानेगा ये नशा शराब का ही नहीं धन मद पद मद ऐसे नाम दिए हैं समाज ने ये नशों को धन का भी नशा हो शायद शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है पद मद कोई बड़ा पद मिल जाए औदा मिल जाए उसका भी नशा बहुत है रूप का नशा है अनेक प्रकार के नशे हैं और ये सभी नशे तमोगुण अज्ञानता में मूर्छा में ले जाते हैं मूर्छित आदमी को तो होश नहीं तो फिर मूर्छित आदमी कैसे भगवान की शरण ले मूर्ख लोग भी यही मूर्ख लोग हैं यही मूर्ख लोग हैं चैतन्यता को प्राप्त करना चाहिए ये मूर्छा को प्राप्त हो रहे हैं यही मूर्ख लोग हैं इनको मूर्ख भी कहा है इनको ही अचेतन भी कहा है मूर्छित भी कहा है नैमाम दुष्कर्तनों मूढ़ा प्रपद्यंती नराधमा और नरों में यानी मानव जाति में जो अधम है अधम बोले तो गिरे हुए अधर्मी जो धर्म से दूर हट गए हैं और अधर्म की शरण जिन्होंने ले ली है यह नर अधम है नाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यंते नराधमा माया आप ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता तो इन सभी का चारों प्रकार के प्राणियों का व्यक्तियों का जो मेरी शरण नहीं लेते असुर स्वभाव वाले हैं इनका माया यानी भ्रम इल्यूजरी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा माया ने इनका ज्ञान का अपहरण कर लिया है यानी ये ज्ञानहीन है अज्ञानी है अचेतन है अधर्मी है असुर हैं अकृत करने वाले हैं दुष्कृत जिसको कहा है बुरे नीच कर्म करने वाले ये चार प्रकार के मेरी शरण में नहीं आते हैं फिर भगवान ने कहा है कि ये शुद्ध भक्त जो मेरी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूं जो ज्ञानी है तत्व से मुझे जानता है पहचानता है भगवत साक्षात्कार जिसने कर लिया है ऐसा शुद्ध भक्त अनेकों को शुद्ध बना देता है और बिना शुद्ध भक्त बने बिना श्री कृष्ण को नहीं जाना जा सकता नहीं पहचाना जा सकता इसलिए भगवान ने पहले ही ये तुरप लगा दी है कि मनुष्याणाम सहसरीशु कश्चिन यतति सिद्ध है यततामपी सिद्धां कश्चिन माम हजारों लाखों में से कोई एक आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है और ऐसे आत्म साक्षात्कार सिद्धि प्राप्त लोग हजारों में से कोई एक उस निर्मल दशा को उस शुद्ध दशा को प्राप्त कर पाता है उस ट्रांसेंडेंटल भगवान के धाम को जिसको शास्त्रों में गोलोक वृंदावन कहा गया है प्राप्त कर पाता है जहां पर उसको स्पिरिचुअल शरीर भगवान की सेवा करने के लिए मिलता है भगवान की सेवा करता है भगवान के धाम में प्रवेश करने वाले को इटर्निटी में पहुंचने वाले को इटर्नल बॉडी मिलती है यह सीक्रेसी भागवत गीता खोलती है और जो आत्मा है बहुत से अज्ञानतावश जिनको बुद्धि नहीं है बुद्धिहीन है ऐसे कहा करते हैं अपने अपने को प्रसन्न करने के लिए कि जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है जैसे बतासा पानी में घुल जाता है ऐसे ही मोक्ष का मतलब उन्होंने लिया है कि मुक्त होने के बाद में निराकार में समाहित हो जाते हैं हम लोग हमारी आईडी खो जाती है हमारी पहचान खो जाती है कि हम इंडिविजुअल आत्मा हैं, लेकिन ये गीता में भगवान ने इसका स्पष्ट इस वर्णन किया है कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता नामी भक्तिया प्रण हे अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता भक्त है तो भगवान है भक्त यदि भगवान में मिल जाएगा तो भगवान भगवान नहीं रह जाएंगे भक्त रहेगा तभी भगवान रहेगा भगवान बचेगा जबकि भक्त बचेगा इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए भगवान आदि पुरुष नारायण गोविंद भगवान श्री कृष्ण हैं और हम उनके अंश हैं हम इंडिविजुअल आत्मा हैं हम सब आप इस संसार में हैं तब भी इंडिविजुअल ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद है इटर्नल है आनंद स्वरूपा है ज्ञान स्वरूप है पूर्ण ज्ञान स्वरूप है पूर्ण आनंद स्वरूप है और हमेशा के लिए है इटरनल है सत्य है वो एब्सल्यूट ट्रुथ है भगवान का साक्षात साकार स्वरूप वही सुप्रीम पर्सन को ही शास्त्रों ने कहा है, परम सत्य कहा है परम सत्य का कभी नाश नहीं होता उनके श्री विग्रह का नाश नहीं होता और उनका ही नहीं उनके शुद्ध भक्त जो भगवान को पा लेते हैं भगवान के धाम में चले जाते हैं उनको भी श्री विग्रह